जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम आपको बता दूं कि एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जो है वो चेतावनी जारी की गई है कि 31 अगस्त तक लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में बारिश जो है वो रहने वाली है। कई जगहों पर भारी बारिश होने के साथ साथ जो है वो दर्जने भरी छीटें जो है वो पड़ सकती हैं, और नदियों नालों की तरफ जो है वो उसका रुख ना करें, इसके लिए जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रियासी जिले से जिला प्रशासन ने जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किया गया है कि आप लोग जो है वो नदी और नालों की ओर रुख ना करें, कभी भी जो है वो नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है और उसमें जानी और माल का नुकसान जो है वो होने की संभावना है। तो उसको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि आए दिन जो है वो एडवाइजरी जारी की जाती है और मौसम जो है वो लगातार करवट बदल रहा है, और 31 अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से ये बताया गया है कि लगातार जो है वो भारी बारिश 31 अगस्त तक जो है वो देखी जाएगी। जम्मू संभाग में जो है वो इस वक्त अनेक क्षेत्रों में बारिशें चल रही हैं, और अगर आप लोग जो है वो नदियों नालों की ओर रुख करते हैं तो आप लोग जो है वो उसमें परहेज करें, और अगर आप कहीं यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप लोग जो है वो यात्रा जो है वो आप डिले रखें, वहां पर एडवाइजरी जो है वो जरूर एक बार उसका जो है वो अपनी जांच जो है वो जारी रखें, और वहां पर अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर लैंडस्लाइडिंग का जो है वो काफी ज्यादा खतरा जो है वो बना रहता है, क्योंकि पहाड़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल गल चुके हैं और लगातार जो है वो लैंडस्लाइडिंग जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 31 अगस्त तक तो जो है वो मौसम इसी तरह से खराब रहने की संभावना है, और जम्मू संभाग में कई क्षेत्रों में जो है वो भारी बारिश जो है वो होने की संभावना है, तूफान भी चलने की संभावना है, और बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली भी जो है वो पड़ सकती है। तो आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें कि अगर कोई जरूरी ही काम हो तो घर से बाहर निकले। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो रियासी जिले से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जमकर जो है वो इस वक्त बारिश हो रही है, और आप लोग जो है वो कहां कहां से इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो भी रख सकते हैं, और क्या आपके क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, क्या कैसा है आपके क्षेत्र का हाल जो है वो जरूर आप हमारे साथ जो है वो साझा करें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से इलाके से जो है वो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से ये बताया गया है कि लगातार जो है वो मौसम खराब होने की संभावना है, और जम्मू संभाग में 31 अगस्त तक जो है वो मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। आप लोग जो है वो अपने घरों से, बहुत जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकले, और अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो यात्रा पहले जो है वो एडवाइजरी जो है वो उसमें देख लें, जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है उसकी ओर जो है वो पहले जांच कर लें कि आखिर आप जहां पर आप जा रहे हैं तो वहां का मौसम जो है वो किस तरह से है, कहीं आपको जो है वो जान माल का खतरा ना बना रहे, इसलिए जो है वो आप लोग जो है अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो जरूर जो है वो आप जानकारी रखें। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त तक मौसम जो है वो इसी तरह से खराब रहने वाला है, और कभी भी जो है वो बारिश आ सकती है। जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो है वो लगातार करवट बदल रहा है, और अगर आपके घरों में कच्चे मकान है, अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो अवॉइड करें, कोशिश करें कि उस मकान के अंदर ना रहें, क्योंकि कच्चे मकानों को जो है वो खासतौर पर इस वक्त खतरा बना रहता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कच्चे मकान जो है वो बहुत कम रह चुके हैं, चाहे वो गांव की अगर मैं बात करूं तो शहरों में आजकल कच्चे मकान जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन गांव में अभी भी कुछ कच्चे मकान ऐसे हैं जो गिरने की कंगार पे हैं, लेकिन उनके लिए भी यही एडवाइजरी है कि आप लोग जो है वो रात को कम से कम अपने कच्चे मकानों से बाहर निकले, हो सके तो अगर कोई और आपके पास कोई पक्का कमरा है तो वहां पर आप रहें, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो सकुशल रहे, सेफ रहे। तो क्योंकि जब बड़ी बारिश रहती है तो कच्चे मकान जो है वो अक्सर गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, जिसमें जान माल का नुकसान जो है वो रहता है, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो ये बात जो है वो बताना जरूरी है कि आप लोग जो है वो अपनी जान का जो है वो बिल्कुल ख्याल रखें, और कच्चे मकानों से बाहर जो है वो आप निकले, अगर आपका और कोई कमरा है, कोई पक्का कमरा है तो आप पक्के कमरों में रुक करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अजय सेठ जी जुड़े हुए हैं, जा रहे हैं कि गुड, मौसम जो है वो बिल्कुल सुहावना हो चुका है, काफी ज्यादा गर्मी जो है वो रह रही थी, क्योंकि
इस वक्त जो है वो मौसम है काफी ज्यादा गुम्मा जो है वो बना रहता है, तो काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां रहती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बारिश जो है वो एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी की गई है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी मौसम जो है वो खराब हो सकता है, और 31 अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र ने ये एडवाइजरी जारी किया है कि मौसम जो है वो इसी तरह से 31 तक जो है वो खराब रहने वाला है। फिलहाल आप लोग जो है वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जो है वो अपने क्षेत्र को जरूर मेंशन करें कि क्या आपके क्षेत्र में भी मौसम जो है वो खराब हुआ है, क्या आपके मौसम आपके क्षेत्र में जो है वो मौसम बारिश वाला हुआ है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि पता चल पाए कि आखिर आप लोग जो है वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला रियासी से, रियासी में जो है वो करीब 15 से 20 मिनट पहले जो है वो बारिश ने बरसना शुरू कर दिया है, और लगातार बारिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर हो रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 31 अगस्त तक मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से ये जानकारी मिली है कि मौसम जो है वो इसी तरह से 31 तक जो खराब रहेगा, और आप लोग जो है अपने अपने घरों में ही रहे, अगर कोई जरूरी ही काम काज है तो बाहर निकले, अगर आप कहीं यात्रा का प्लान कर रहे हैं, कहीं आपने अगर यात्रा का प्लान बनाया है, कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो वहां पर एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है, तो आप लोग जो है वो जरूर एक बार एडवाइजरी जानकर ही घर से बाहर निकलें, और अगर कहीं जरूरी ही काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अभी जो है वो नदियों नालों का जल स्तर जो है वो भी एकदम से जो है वो बढ़ जाता है, और काफी ज्यादा खतरा जो है वो बन जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान जो है वो जब बारिशें होती है जब तेज तूफान चलता है तो वो अपनी जान जो है वो खो देते हैं, तो इसलिए जो है वो प्रशासन की तरफ से बार बार जो है वो एडवाइजरी जारी की जाती है। जिला प्रशासन रियासी की अगर बात करूं तो वहां से भी एडवाइजरी जारी की गई है, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो उन्होंने जारी किए हैं, जहां पर आप लोग जो अगर आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत है, अगर किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप जो है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये पौनी क्षेत्र जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जमकर बारिश इस वक्त हो रही है, लोग भी जो है वो बारिश का आनंद लेते हैं, और हर कोई जो है वो इस बारिश का जो है वो लुत्फ लेता है, आनंद लेता है, लेकिन परेशानी तब आती है जिनके कच्चे मकान हैं, और उन्हें जो है वो लगातार डर सताता रहता है कि उनका कच्चा मकान जो है वो कहीं ढह ना जाए। तिलक सेठ जी हैं और ये कह रहे हैं कि कटरा में गर्मी है, तो मुझे लग रहा है कि कटरा में शायद बारिश नहीं हो रही है, इसलिए कटरा में अभी गर्मी है। तो फिलहाल जम्मू संभाग में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है, और एडवाइजरी जो है वो 31 अगस्त तक जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से कि आप लोग जो है वो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर बनाने का घूमने का अगर प्लान है तो आप लोग जो है वो पहले एडवाइजरी वहां पर जान लें। 31 अगस्त तक लगातार जो है वो बारिश होने की संभावना है, उसके साथ साथ तूफान और थंडरिंग जो है वो होने की संभावना है, और हो सकता है कि आसमानी बिजली से भी कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हो, इसलिए आप लोग जो है वो घरों से बाहर कम निकलें। जम्मू में गर्मी है, सतवीर सिंह जी हैं ये कह रहे हैं कि जम्मू में गर्मी बारी है बड़ी है, और चंदर जी हैं कटरा में नहीं है बारिश। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जिला रियासी का कटरा माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है, वहां पर बारिश इस वक्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और कभी भी जो है वो बारिश आ सकती है और कभी भी जो है वो धूप निकल जाती है, कोई भी जो है वो ये नहीं सोचता कि कब जो है वो बारिश आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मौसम रहता है वो इसी तरह से रहता है कि कभी धूप रहती है तो उसके हो सकता है कि 10 मिनट के बाद जो है वो एकदम से बारिश आ जाए, तो इसलिए जो है वो एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से बार बार जारी की जाती है ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लोग जो है वो परेशान ना हो। सोनू हीर जी हैं ये कह रहे हैं कि जम्मू में धूप है गर्मी है और कटरा में नहीं हो रही है बारिश। तिलक शर्मा जी हैं कटरा में नहीं हो रही है बारिश, रियासी में नहीं हो रही है बारिश। ये TR बाली साहब हैं ये कह रहे हैं कि रियासी में भी बारिश नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस तरह से पता चलता है कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश इस वक्त नहीं हो रही है। तो फिलहाल ये देखिए हमारा जिला रियासी का कटरा शहर हो चाहे रियासी शहर हो, वहां पर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे भाई साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि कटरा में बारिश नहीं हो रही है, रियासी में बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला रियासी के तहसील पौनी से, यहाँ पर करीब 20 मिनट से जो है वो लगातार इसी तरह से बारिश हो रही है, और यहाँ पर
बारिश होने के बाद हो सकता है कि अनेक क्षेत्रों में बारिशें हों। और ये आप देखेंगे तस्वीरें, ये पावनपुरी पौनी ये क्षेत्र है, यहाँ पर संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा जो है वो हर साल यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ जो 11 से 12 दिन जो है वो चलता है यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देश की शान तिरंगा जो है वो इस वक्त पावनपुरी पौनी में लहरा रहा है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त तक जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, कभी भी जो है वो बारिश हो सकती है। अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो पूरी तैयारी से बाहर निकलें, अगर कोई जरूरी ही आपको कामकाज है तो यात्रा में अगर आपने जाना है तब भी वो है वो वहाँ की एडवाइजरी आप एक बार जान लें तब ही आप घरों से बाहर निकलें। और हो सकता है कि जहाँ जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है शाम को वहाँ वहाँ बारिश हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहना रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल मैं आपको बता दूँ 2-3 और लोग जो है वो जुड़े हुए हैं जिन्होंने कमेंट किए हुए हैं, तो मैं उनका नाम जो है वो जरूर बोलूंगा। जावर जी है जम्मू, बुरा हाल हो रहा है, शायद वहाँ पर गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ रही है। और उसके साथ साथ पूजा रानी जी हैं, बारिश भी नहीं हो रही बारिश। तो फिलहाल देखिए कि ये भी भगवान की ही मर्जी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल पौनी के पास में हैं, जैसे कटरा में बारिश नहीं हो रही है, रियासी में बारिश नहीं हो रही है और बारक में भी बारिश नहीं हो रही है। और हैरान कर देने वाली बात है कि भोले बाबा की नगरी आदार शिविर रनसू शिवखोड़ी में भी बारिश नहीं हो रही है। करण सिंह जी सलारिया जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि शिवखोड़ी भी नहीं हो रही है बारिश। तो फिलहाल देखिए आप कि बारिश जो है वो फिलहाल जहाँ पर ही हो रही है। तो विकास गंदोत्रा जी है, ग्रेट न्यूज राम जी, आओ फिर चाय पिए। बिल्कुल भाई जी, जैसे ही मैं ये अपडेट देता हूँ, हमारे भाई जी भाई साहब जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान की खबर जो है वो पहुंचेगी, जैसे ही मैं ये कवर करूंगा तो उसके बाद बिल्कुल मैं आपके पास आता हूँ, तो वहां पर बैठ के हम दोनों भाई चाय का आनंद लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये भी कारण हो सकता है कि ये जो क्षेत्र है ये पावनपुरी पौनी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश हो रही है। हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है वो उनके कर्म अच्छे हों और हर हफ्ते में जो है वो कभी ना कभी यहाँ पर बारिश हो जाती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है और इसके पास पास जो है वो पहाड़ है, तो इसलिए भी शायद एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर भी बारिश जो है वो इसलिए यहाँ पर होती हो, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पौनी बाजार के साथ साथ ही कुछ जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो हो सकता है कि एक कारण ये रहता है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हों जहाँ जहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हों तो वहाँ पर बारिशें जो हैं वो होती ही होती हैं। और दूसरा, यहाँ पर के लोग जो हैं वो धार्मिक हैं, पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं और लोगों के ही सहयोग से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो हैं वो बनते हैं, लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर का फल भी लोगों को जो है वो क्षेत्रवासियों को भी मिलता है। पूजा रानी जी, बारिश में नहीं हो रही, कटरा में बारिश नहीं हो रही है, रियासी में बारिश नहीं हो रही है, ये बारिश जो है वो खाली पौनी में ही फिर देखी जा सकती है। चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।